मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार शाम हुई सत्ताधारी विधायक दल की बैठक के बाद बाहर निकले सभी नेता एक स्वर से यह कहते दिखे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों मंत्रियों को अगले कुछ दिनों तक राजधानी में ही रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी विधायक को अगर किसी अप्रिय कारणों से एक दो दिन के लिए बाहर जाना भी हो तो वह इसकी सूचना अपने विधायक दल के नेता को जरूर दे। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज ही रहेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों के बीच यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के समन या कार्यवाही से ना झुके है और ना टूटे है। और ये जो गतिरोध खत्म कीजिए, झारखंड में नहीं बदलेंगे, बने रहे हेमंत सोरेन जी, बने रहेंगे हेमंत सोरेन जी, बने रहेंगे। चलिए ईडी की कार्रवाई पर क्या कुछ करेंगे? अभिषेक के साथ पिंटू के आवास पर छापा पड़ रहा है। ईडी की कार्रवाई को कैसे हैंडल करेंगे? वही कप्तान है, वही खिलाड़ी है, अंतिम ओवर पर छक्कों की बरसात करने की रणनीति बनी। सूत्र बताते हैं कि सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा को लेकर यह जरूर कहा गया कि शेर के गले में घंटी किसी को तो बांधना ही था। वहीं झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने बताया कि हम इस्तीफा इसलिए दिए है कि पार्टी को जरूरत ही, जरूरी नहीं है कि पार्टी में रहने के लिए विधायक या मंत्री होना आवश्यक है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गली गली में चर्चा है कि बड़ी डील हुई है। हम हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। प्रमोशन है सर आपका? आप मेरे बारे में नहीं जानते जी। मैं 1980 का MLA हूँ जी। कितने बरस हो गए जी? कितने आपकी उम्र कितनी है जी? इसलिए मैं हर हाल मुस्कुराते रहता हूँ। बिहार में रहूँ, झारखंड में रहूँ। बताया तो इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी की जरूरत थी, मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसको इस्तेमाल। अच्छा सरफराज जी मानते हैं कि सरकार असुरक्षित है, आपने कहा कि जरूरत थी इस्तीफे की। देखिए अभी अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया, अगर जरूरत हुई तो उसका इस्तेमाल होगा। प्लान बी का हिस्सा है सर, प्लान बी कह सकते हैं। अब ये तो आप कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं। आपके मुस्कुराहट कह रहे हैं। जरूरत थी सरकार को जी? अच्छा इस्तीफे के लिए मैं पार्टी में हूँ, MLA और MP होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप विधायक नहीं है सर, विधायक दल की बैठक में है। मुझे बुलाया गया था भैया, बुलाया गया था बिल्कुल। अब झारखंड के गली गली में चर्चा है, गली गली में शोर है। अरे सहमत की बात नहीं, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि चारों तरफ ये चर्चा है, बड़ी डील हुई है। राज्यसभा के सदस्य के बारे में डील हुआ है, पैसे के डील हुआ। सच्चाई क्या है ये हम कैसे जानेंगे? जो चर्चा है मैंने उस चर्चा की यहाँ बात कर रहा हूँ। अब जो हम सुनेंगे वो तो बताएंगे ना आपको। ये हम कहा कि अपने स्वेच्छा से वो अपने, अरे बाबा वही तो कह रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनकी स्वेच्छा से नहीं है। हमने कहा कि भाई ये जो चर्चा है बाजारों में, वैसे तो चर्चा नहीं होती है, कहीं ना कहीं चर्चा है तो धुआं है, तो आग भी होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।